हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, यदि कोई भी दुबई आना चाहता है, सऊदी आना चाहता है, दोहा कतर जाना चाहता है, या चाहे कह सकते हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री में वह जाना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। तो दोस्तों आज आपको देख रहे हैं कि हमारे पीछे कुछ ऐसे तरीके से आप नज़ारा देख रहे हैं जो आपको दुबई और सऊदी, कुवैत, बहरीन, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाने में आपको कुछ ऐसे अंजाद या कह सकते हैं मज़ा देखने को मिलता है। दोस्तों मैं कहूँगा कि मैं सुपरवाइज़र हूँ और यदि आप लोग विदेश विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं या चाहे पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आप आसानी तरीके से कह सकते हैं कि मैं अभी दोस्तों कम से कम 20-22 फ्लोर पर हूँ और आप देख रहे हैं कि नीचे कितनी भयानक और ख़तरनाक है जगह से गुजारा करना पड़ता है। यदि यहाँ दोस्तों हार्डवेयर भी काम होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत मेहनत का भी काम होता है, यदि जो मेहनत का काम नहीं करते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह कभी भी दुबई गल्फ़ कंट्री या चाहे अन्य भी गल्फ़ कंट्री में कभी ना जाएं, क्योंकि दोस्तों होता ऐसा है कि वह लोग जाएँगे और जॉब के तलाश में जाते हैं हर कोई और पैसा नहीं कमा पाएंगे तो उन पर बहुत दिक्कतें पड़ सकती हैं। आइए दोस्तों कुछ आपको ऐसे नज़ारा और लुक को दिखाऊं ताकि आपको अच्छे तरीके से आप जान सकें और कभी भी आने का कोशिश करें तो आ सकें। तो ये लोग देखिए दोस्तों, यदि आप जाएंगे कहीं भी जैसे कि बहरीन, दोहा, कतर, सऊदी अरब कहीं भी जाएंगे तो आपको ऐसे नज़ारा देखने को मिलेगा। यदि आप इंटरेस्ट हैं तो जा सकते हैं और अच्छा खासा कह सकते हैं पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे तरीके से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा जो कह सकते हैं बहुत रोमांचक और ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों बताया हूं कि आप यदि इंटरेस्ट हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए तो कोई ना कोई काम ज़रूर सीख लीजिएगा जिससे आप अच्छा खासा भी पैसा कमा सकें। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन और जानकारियां मैं देता रहता हूं। यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।